सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानून बिल पर रोक लगा दी है, जिसमें 4 सदस्य कमेटी बनाई गई है। देखिए, आज कल भी मैराथन सुनवाई हुई, आप भी थे, आपने देखा है किसानों के जो हमने पिटीशन लगाई है, भारतीय किसान यूनियन, लोक शक्ति, BKU, भानु प्रताप जो हरियाणा की है संगठन, उत्तर प्रदेश के संगठन, इनकी तरफ से पिटीशन लगाई थी, उस पर 2 दिन लगातार मैराथन सुनवाई हुई और उसमें साफ तौर पर ये सिद्ध हो गया है कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल आर्बिट्रेटरी है। जब ऐसा कानून है तभी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलों को, अटॉर्नी जनरल को, भारत सरकार को सुनते रहने के बाद रोक लगाई है। अब रोक लगा दी है तो आधी जीत तो किसानों की हो गई, ये विक्ट्री आधी हो गई है। अब इसको पूरी करना है, इसके लिए आंदोलन रोकने को नहीं कहा, आंदोलन स्थगित करने को नहीं कहा है। अब सरकार को आईना दिखा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि कानून में गलती है, तो अब गलत है तो सरकार को कानून वापस लेना है। वापस लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आधी जीत हो गई। अब कोई सरकार ये नहीं कह सकती है किसने कहा हमारा कानून गलत है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारा कानून, तुम्हारा कानून गलत है, ये बात सिद्ध हो गई है। कुछ सवाल ये हुए कि मौतों की संख्या, जब हमने कहा 65 मौतें अब तक हो चुकी हैं, जब 65 मौतें अब तक हो चुकी हैं तो मौतों की संख्या धरना स्थल और प्रदर्शन से नहीं बढ़नी चाहिए। हम नहीं चाहते धरना स्थल प्रदर्शन पर मौतों की संख्या बढ़े। तो इसके लिए उन्होंने कहा, क्या आप हमें शोर करेंगे और हमारा मैसेज देंगे कि बुजुर्ग, महिलाएं और जो बीमार लोग हैं वो धरना स्थल पर ना आए। हमने कहा ठीक है, हम ये बात करेंगे, शोर करेंगे कोर्ट को कि धरना स्थल पर बुजुर्ग और बीमार नहीं है, उनका आशीर्वाद लेके आए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके युवक युवतियां आए, वो धरना स्थल पर शामिल हो और आंदोलन करें, यह अच्छा है। क्योंकि यह आंदोलन किसी जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय का नहीं है, यह आंदोलन किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं है, कोई राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं है। हाँ, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं इन कानूनों का, तो जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उन्हें संसद में सदन बुलवाना चाहिए, उन्हें देश के महामहिम राष्ट्रपति से मिलकर, देश के प्रधानमंत्री से मिलकर, लोकसभा राज्यसभा के स्पीकर से मिलकर सदन बुलाना चाहिए, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और सरकार से इस पर चर्चा करके किसानों का साथ देना चाहिए। धरना स्थल आंदोलन पर कोई राजनीति नहीं है, सारे किसान संगठन एक हैं, सब एक हैं। इस आंदोलन को ना खालिस्तान से जोड़ सकते हैं, ना इस आंदोलन को शाहीन बाग से जोड़ सकते हैं। इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी देशभक्त किसान हैं, मजबूत किसान हैं, मजबूर किसान हैं। अब सरकार को इससे ज्यादा किसानों को मजबूर नहीं करना चाहिए और इसमें आंदोलन उनका खत्म कराने का एक ही उपाय है कि माननीय मोदी जी जाएं और जाके कह दें, किसानों तुम्हारी जीत हुई, मोदी तुम्हारा सेवक है, जो जनता का सेवक है, देश का सेवक है, बड्डा सेवक है, बड्डा प्रधान नहीं है, वो आंदोलन को वापस ले रहा है। जो ट्रैक्टर रैली होने जा रही है, क्या वो होगी या नहीं होगी? ये किसान संगठन तय करेंगे, अभी तो 26 जनवरी दूर है, अभी तो कमेटी गठित होगी, कमेटी की डेट डिसाइड होगी, कौन कौन होंगे कमेटी में। हमने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि जो भी किसान संगठन है, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसमें शामिल हो, सभी को उनको रखा जाए। और कुछ नाम सुझाए हैं, ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काजू, जस्टिस कुरियन जोसफ के नाम भी उसमें रखे जाएं, वो रहें उसमें कमेटी में, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके।